Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video so today's video is about the important uh, circular issued by university of mumbai and here I have brought the english uh, version basically the circular issued by university of mumbai is in marathi so we are going to discuss about the important uh, points which are

अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी लाइक कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो द फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में पहले बात करेंगे कि जो टी वाई की एग्जाम्स है फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम जुलाई में होगी एग्जाम्स ऑफ द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट शैल बी कंडक्टेड इन जुलाई 2020 अगर आपका कोर्स जो है वो तीन साल का है जैसे अगर हम बी की बात करें तो बैचलर बैचलर जो कॉमर्स का है वो तीन साल का है वैसे ही बैचलर ऑफ आर्ट्स है बैचलर ऑफ साइंस है तो जो भी तीन तीन साल के कोर्स है उसमें सेमेस्टर सिक्स का एग्जाम होने वाला है और जो फाइव Years के इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें सेमिस्टर टेन का एग्जाम होने वाला है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा इस बेस पे ये पहला पॉइंट क्लैरिफाई किया गया है द सेकेंड पॉइंट इज फाइनल ईयर एटी के टी एग्जाम्स फाइनल ईयर एंड दे है जो सेमिस्टर एग्जाम दे रहा है और उसको सेमिस्टर फिफ्थ में एटी के टी है तो ये सेमिस्टर फिफ्थ की जो एटीकेटी होगी और जो पिछले आपकी एटीकेटीज 80 है ये एटीकेटी की एग्जाम भी आपकी जुलाई महीने में ही होगी तो आप उसका भी प्रिपेरेशन साइड बाय साइड करते रहे सो so, यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि In case of students who have passed the final semester of the final year but have etiquette in the earlier semesters, they too have to appear for exams in July 2020 and. Uh, पहले पॉइंट में दिया गया है कि इन केस स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर हैव एनी एनी इन ऑफ द सब्जेक्ट तो उनका भी एग्जाम जुलाई महीने में होगा मतलब अभी अभी यहां पे दो पॉइंट क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट uh, है नंबर वन इस जो भी जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है और उनको पिछले के टीज है उनकी एग्जाम भी जुलाई महीने में ली जाएगी और जो भी फाइनल ईयर पास हो चुके हैं और उनको अगर पिछली कोई के टी है तो उनकी एक, उनकी भी एग्जाम जुलाई महीने में ली जाएगी ऐसा इस बेसिस पे पॉइंट नंबर टू में क्लैरिफाई किया

मिनिमम अटेंडेंस के बारे में भी क्लैरिफाई किया गया है रिगार्डिंग मिनिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ लॉकडाउन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ सेवनटीन मार्च से अगर हम काउंट करें तो जितना भी टाइम लॉकडाउन हुआ है उतने टाइम का वैलिड अटेंडेंस माना जाएगा मतलब स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस है वो फुल अटेंडेंस स्टूडेंट्स को दिया जाएगा एज पर दिस लॉकडाउन इज कंसर्न तो ग्रेडेशन फॉर स्टूडेंट्स अदर देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में है एक्सेप्ट ध्यान से सुनना एक्सेप्ट द फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ऑलर क्लासेस प्रमोटेड टू द हायर क्लासेस बेस्ड ऑन ग्रेडेशन अभी ग्रेड दिया जाएगा ग्रेडेशन के बेसिस पे प्रमोशन दिया जाएगा ग्रेडेशन कैसे होगा फिफ्टी परसेंट ऑफ द मार्क्स अचीव्ड इन द प्रीवियस सेमेस्टर तो आपको जो भी प्रीवियस सेमेस्टर में मार्क्स मिले होंगे उसके बेसिस पे 50 परसेंट मार्क्स लिए जाएंगे और 50 परसेंट आपके इंटरनल के बेसिस पे इवेल्यूएशन किया जाएगा अभी प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि जिन स्टूडेंट्स को इंटरनल नहीं है उन स्टूडेंट्स का क्या करना है वो भी आगे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ तो लास्ट तक बने रहे इन केस ऑफ स्टूडेंट्स फेल आफ्टर ग्रेडेशन ग्रेडेशन होने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा लेकिन उनको जो भी सब्जेक्ट में वो फेल है उन्हीं सब्जेक्ट्स की उनको एग्जाम फिर से देनी पड़ेगी वन ट्वेंटी डेज के अंदर कॉलेज शुरू होने के बाद जैसे एफ वाई से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को एस वाई में प्रमोट किया गया लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में उनके ग्रेड पासिंग के जितने नहीं हुए तो उनको वो जो एग्जाम है वो फिर से देनी पड़ेगी 120 डेज के अंदर जैसे ही नया एकेडमिक कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा तब से ड्रॉप स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स हु हैव अ ड्रॉप इन दी एकेडमिक ईयर 2019-20 तो दो स्टूडेंट्स जिनको भी 2019-20 में ड्रॉप है उनको भी प्रमोट किया जाएगा तो ये काफी एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप आउट है लेकिन उनको भी जो भी आपके प्रीवियस बैकलॉग्स होंगे जो भी आपके प्रीवियस केटीज होंगे जिसमें आप फेल्ड हुए हैं उन केटीज को आपको क्लियर करना है विद इन वन ट्वेंटी डेज कॉलेज विल कंडक्ट एन एग्जाम और एक सौ बीस दिन के अंदर ये जो आपकी एग्जाम होगी उस एग्जाम में आपको वो एग्जाम को क्लियर करना है रिजल्ट्स ऑफ अदर अदर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स देन फाइनल ईयर मैंने अभी आपके साथ बात किया कि फिफ्टी परसेंट मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द मार्क्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल्स अभी जिन स्टूडेंट्स को इंटरनल्स नहीं है वो पॉइंट नंबर एट ध्यान से सुने इन केस देर आर नो इंटरनल एग्जाम्स फॉर एनी कोर्स अगर किसी कोर्स के लिए इंटरनल एग्जाम्स नहीं है आप पूरा हंड्रेड मार्क्स का पेपर अगर अटेम्प्ट करते हो देन सच स्टूडेंट विल बी मार्क्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर देन ऐसे केस में आपके जो प्रीवियस सेमिस्टर के मार्क्स है उन प्रीवियस सेमेस्टर्स के मार्क्स के ऊपर आपको ग्रेड दिया जाएगा लेकिन 50% परसेंट मार्क्स फॉर प्रीवियस सेमेस्टर एंड 50% परसेंट मार्क्स फॉर इंटरनल्स, जिन स्टूडेंट्स को ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग से एक सर्कुलर निकालेगा तो वो पॉइंट नंबर नाइन में स्पेसिफाई किया गया है पॉइंट नंबर टेन इज ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम नाउ दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु फाइंड दैट द ग्रेड च दे हैव गॉट इज नॉट वर्थ मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जितना उनको एवरेज के बेस पे ग्रेड मिला है वो वर्थ नहीं है अभी कुछ स्टूडेंट्स इसमें सेटिस्फाइड होंगे कुछ स्टूडेंट्स इससे डिसटिस्फाइड होंगे मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट जो क्लेवर है वो सोचेंगे कि अगर मैं पेपर लिखता तो काफी अच्छे लेवल पर मुझे मार्क्स मिल सकते थे इनकेस उसके लिए भी उन्होंने पॉइंट नंबर टेन में क्लैरिफाई किया गया है

वो इम्प्रूव हो सकते हैं तो ऐसे इंप्रूवमेंट्स किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ डिटेल बातें हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस मिल जाएगी नंबर का पॉइंट डिस्कस करते हैं दिस इज फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंटिंग टीवाई बी गिविंग है एग्जाम एस सी है बी ए है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सो द डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्जाम टाइम टेबल एक्सेट्रा ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड द डिटेल्स रिगार्डिंग द दी एग्जाम्स टाइम टेबल ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली बाई दून University of Mumbai. सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की ए टी के टी की एग्जाम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो सारी की सारी डिटेल्स ट्वेंटी जून तक आपको दी जाएगी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डब्ल्यू 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 डॉट एम यू डॉट ए सी डॉट इन पे यूल गेट द नोटिफिकेशन एज पर द यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के बेसिस पे जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं कि बीस जून तक टी वाई बी कॉम या टी वाई बी एस सी या जो भी टी वाई के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई जारी रख

तो ये सिर्फ 2019-20 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए ही एप्लीकेबल है ये अगले साल एप्लीकेबल नहीं होगा अगले साल से हमारे नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे बट ड्यू टू कोरोना वायरस ड्यू टू दी दिस सिचुएशन दिस काइंड ऑफ डिसीजन आर बीन टेकन नंबर थर्टीन पॉइंट को डिस्कस करते हैं रिवाइज डेट्स फॉर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म्स सो जिन स्टूडेंट्स uh, की एग्जाम थर्टी मार्च के बेसिस पे थी तो फॉर स्टूडेंट्स हु हैव हु हैड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्म्स तो जो लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का बाकी रह गया थर्टी फर्स्ट मार्च उनका फाइनल डेट था उसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट्स को रिवाइज किया जाएगा और सारे के सारे गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी सो दैट इज द पॉइंट ये थर्टीन पॉइंट्स हमने काफी डिटेल में डिस्कस करी है तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस वीडियो के बेसिस पे मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे के सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकू बिकॉज देर वॉज लॉर्ड ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एफ आई एंड टी वाई स्टूडेंट्स एफ आई एंड एस वाई स्टूडेंट्स की दे आर बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास बट वॉट आर द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ग्राउंड दे आर बीन प्रमोटेड सो दिस वीडियो इज अ क्लैरिफिकेशन दिस वीडियो इज अबाउट ऑल द पॉइंट्स विच यू हैड डाउट इन यूर माइंड एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल डाउट्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर चैनल पे पहली बार आए तो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे लाता रहता हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू वेरी मच